हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगा बलेनो। अगर आप बलेनो को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा ये। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर मैं कहूंगा गाइस, तो वो यही है। इसका इट्स अ डेल्टा वेरिएंट, एक बेसिकली ये सेकेंड वेरिएंट होता है। तो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे ये 15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर मिरर्स है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, LED टेल लैंप्स है, और इन बाद आपको उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। ये आपको कोई भी गाड़ी के मतलब बेस वेरिएंट के एक ऊपर वेरिएंट में नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस गाड़ी की प्राइस नागपुर महाराष्ट्र में 888 लाख के आसपास है। और एक ज़माना था जब बलेनो जो है वो 8.5 लाख रुपए में टॉप मॉडल मिल जाती थी, उनका जो अल्फा है। लेकिन फीचर्स वाइज इस गाड़ी में भी कोई कमी नहीं है, बस इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है और छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी सब मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। अगर बात करो इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ ऐसे कलर का इसका इंटीरियर आता है, थोड़ा सा लाइट ब्लू है, जेट ब्लू इसको बोलते हैं, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ये है। उसके बाद में डैशबोर्ड कुछ ऐसा सा है, इसके अंदर आपको ये टच स्क्रीन भी कंपनी फिटेड ही आ जाता है डेल्टा वेरियंट के अंदर। ऑल 4 पावर विंडोज इसके अंदर है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक AC है, और ये सीट कवर्स आप देख रहे हैं, ये जो है पूरा कंपनी ने दिया हुआ है, कंपनी से ही लगवाया है, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे ऑल 4 डोर्स के पावर विंडोज है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो नहीं है, एडजस्टेबल मिरर्स है गाइस। अभी जैसे आप देख सकते हो गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, ये बहुत ही स्मूथ इंजन है इसका। स्टार्ट होते ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट है इसका। एक्चुअली ट्रैफिक में जब होते हो तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इंजन स्टार्ट है या नहीं। और चलो तो फिर अब इसको चला के देखते हैं और आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, रैटलिंग नॉइज इसमें आती है और कुछ कुछ इश्यूज़ है, तो देखते हैं आज क्या होता है इसमें। बात करूँ रिवर्स कैमरे की, तो ये तो बहुत ही बेकार सा है गाइस, थोड़ा सा ब्लर सा दिखता है, रात में भी इतना कुछ खास नहीं है ये, बट हाँ कैमरा तो है और सबसे मेन बात इसमें लैग नहीं है। तो अभी मैं चला रहा हूँ ये बलेनो का पेट्रोल इंजन है गाइस, डीजल तो अभी आता नहीं है इसके अंदर। इसमें 88 BHP की पावर है गाइस और 113 Nm का टॉर्क। इसका पेट्रोल इंजन सच में बहुत पेपी फील होता है, पावरफुल तो है, साथ के साथ ये जो है फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत है। तो गाइस ये जो गाड़ी है लगभग 4,500 किलोमीटर के बीच में जो है चल चुकी है, अभी जो 4 महीने पुरानी ये गाड़ी है, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है इसको, लेकिन गाड़ी को बहुत रफली यूज़ किया गया है इसके ओनर के द्वारा। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आप सब बोलते हैं ना कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सस्पेंशन इसमें कैसे है वगैरह, तो गाइस मैंने पहले भी बलेनो चलाई है, पहली वाली और ये वाली भी, तो मुझे सस्पेंशन में तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं है। सस्पेंशन तो अभी भी वैसे ही है, गाड़ी की स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन गाड़ी का वेट जो है ज़रूर लाइट फील होता है हाई स्पीड्स के ऊपर। आप जब हाई स्पीड्स करते हो उसके ऊपर तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपको कॉर्नर करने का, जो मतलब एक बाकी जर्मन गाड़ी उसमें होता है, ठीक है। और चलाने में तो उसको मतलब मज़ा आ जाता है क्योंकि गाड़ी भागती बहुत है भैया, जैसे आप पंजा दबाते हो गाड़ी बस उड़ने को देखती है। पेट्रोल मारुति सुजुकी के पेट्रोल इंजन बहुत अच्छे होते हैं। और इसी के कॉम्पिटिशन में एक गाइस टोयोटा की ग्लैंजा भी आती है, एक मिनट, बेसिकली वो मारुति की ही है, बट उन्होंने बस टोयोटा वालों ने अपना बैज चेंज करके इसके ऊपर लगाया। अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करूँ तो मुझे इसके कंपैरिजन में टोयोटा ग्लैंजा जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसे ब्लैक बेज कलर का इंटीरियर आ जाता है, इसमें जैसे ऑल ब्लैक काइंड ऑफ इंटीरियर है उसमें ब्लैक भेज आता है। और दूसरी बात जो है इनका प्राइस डिफरेंस की अगर बात करूँ तो 70 से 80 हज़ार रुपये का दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस है। वो ग्लैंजा जो है इससे 70 से 80 हज़ार रुपये महंगी है, ठीक है। तो वो महंगी क्यों है गाइस, क्योंकि इसके अंदर ना आपको ज़्यादा वारंटी मिल रही है, सर्विस उसका बहुत अच्छा है। मारुति का सर्विस तो भी क्या ही कहें, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, कुछ इनका ये नहीं रहा अभी, लेकिन टोयोटा का सर्विस बहुत अच्छा है और उसके अंदर आपको जो है एक वारंटी का जो बेनिफिट है वो इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। वैसे गाइस आप अगर मारुति बलेनो चला रहे हो या फिर टोयोटा ग्लैंजा भी चला रहे हो तो दोनों को चलाने का फील तो एग्जैक्टली सेम है, बस ये जो लोगो आपको दिख रहा है सुजुकी का वहाँ पे टोयोटा का लोगो होगा और उसका इंटीरियर थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा बेज ब्लैक एंड बेज है। इसका भी ड्यूअल टोन है लेकिन इसका कलर है वो टोटली ब्लैक ही दिखता है, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो इसको आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, देखो थोड़ा सा ये डार्क ब्लू इस टाइप है,
तो ये आपकी चॉइस होती है, जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से देख ले। लेकिन मुझे पर्सनली जो है टोयोटा ग्लांजा का जो फ्रंट लुक है वो बहुत पसंद है। एक्चुअली सिर्फ चेंजेस कुछ ज़्यादा है नहीं, हेडलाइट्स का मतलब डिज़ाइन भी सेम ही है, बस उसका बम्पर थोड़ा चेंज है आगे और पीछे से, बाकी गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है। और गाड़ी तो वैसे चलने में अच्छी है, सिटी में अगर आप इसको चलाते हो तो आराम से आपको 18-19 की एवरेज ये गाड़ी दे देती है। रफ यूज़ में मतलब मिक्स यूज़ में आपको बता रहा हूँ, 18-19 की एवरेज आपको ये गाड़ी पकड़ा देती है। और मतलब स्टेबल तो रहती है ये गाड़ी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि सस्पेंशन इसके थोड़े स्टिफ है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है गाड़ी, मतलब आप इसमें लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते। बलेनो की सीट्स मुझे सबसे अच्छी लगती है स्विफ्ट की कंपैरिजन में, अगर मैं देखूँ तो स्विफ्ट आती है, i20 आती है, लेकिन बलेनो की जो फ्रंट सीट्स है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं और कंफर्टेबल है। इस गाड़ी में देखो कंपनी फिटेड ये टच स्क्रीन सिस्टम आता है, इसमें आपका एप्पल ऑटो सॉरी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों भी जो है वो चल जाता है, मैप्स वगैरह सब कुछ इसमें जो मारुति का ओरिजिनल है वही आपको डेल्टा वेरिएंट में ही दे दिया गया है। और उसके साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक ईसी भी है, ईसी तो इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कूलिंग करता है। और अगर अभी नॉइस की बात करोगे गाइस, तो इसको हाई स्पीड में भी जो लोग कहते थे पहले कि रैटल करने लग जाती है गाड़ी, आवाज़ आती है इधर उधर से, तो इस गाड़ी में तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आया मुझे अभी तक के। हम इसको रफ रोड्स पे भी चला चुके हैं, जंगल पे भी डाल सके चुके हैं, ऑफ रोड में भी डाल चुके हैं, और अच्छी खासी स्पीड पे चला है, लेकिन ऐसा कुछ इसके डोर्स में से या डैशबोर्ड में से ऐसा कोई चरमर की कोई ऐसी आवाज़ है नहीं इसके अंदर। बाकी अगर बात करूँ गाइस तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, उसका रिस्पॉन्स सच में बहुत अच्छा है। इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते, फॉग लैम्प्स जो इसके ऊपर वाले मॉडल से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका जो हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर पहले हेलोजन प्रोजेक्टर आता है, लेकिन प्रोजेक्टर में हेलोजन बल्ब इसमें था, हमने इसका बल्ब जो है वो अपग्रेड कराया है, इसमें LED हमने डाली है 160 वॉट्स की। मैं आपको बताऊंगा कि वो अगर आप अपनी गाड़ी में भी वो LED डालने का प्लान कर रहे हो तो आप प्लीज़ वही LED डालना, किसी और को मतलब देखना भी मत आप। मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, चाहे हाईवे पे जाओ चाहे सिटी में चलाओ, मतलब HID को वो फेल कर देगा, इतना ज़बरदस्त वो LED है। यह है वो LEDs गाइस जो कोको डिजाइंस की तरफ से आते हैं, इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक 130 वॉट और एक 160 वॉट्स के, इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर बात करूँ म्यूजिक क्वालिटी की तो ओके गाइस, इतना कुछ खास इसका म्यूजिक सिस्टम है नहीं, मतलब स्पीकर्स मतलब ये प्लेयर तो बहुत अच्छा है इसका, लेकिन इसका जो म्यूजिक सिस्टम है जो स्पीकर की क्वालिटी है वो इतनी कुछ खास है नहीं। का बजट 8.5 से 9 लाख रुपए के बीच में है तो आप ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हो, नो डाउट इसकी फ्यूल इफिशियंसी तो बहुत ही गजब की है, हमने बाकी भी पेट्रोल गाड़ियां रखी हुई है लेकिन इसका जो पेट्रोल में माइलेज मिलता है ना गाइस, हम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसके माइलेज से तो। और इसके कंपेरिजन में अगर आपको एक SUV चाहिए तो आप पंच भी देख सकते हो और i20 भी आ जाती है इसमें, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पसंद है, लेकिन ये गाड़ी जो है नो डाउट हल्की तो है ये गाड़ी। और अगर इसको मैं कंपेयर करूँगा तो i20 से, तो i20 भी आजकल की जो आ रही है वो भी इतनी कुछ ज़्यादा खास उसकी बिल्ड क्वालिटी है नहीं, उसने भी कुछ तो भी 3 स्टार्स की रेटिंग लेकर आई है ग्लोबल NCAP में, तो आप अपने बजट के ऊपर देखिए, आप दोनों सब गाड़ियों को जो है टेस्ट ड्राइव करिए अच्छे से। और गाड़ी अभी मतलब अंदर से तो बहुत ही स्मूथ लगती है, अभी जैसे अभी रोड पे थोड़ा सा खरखराहट भी आती है, हार्शनेस जो आती है रोड के अंदर वो अंदर पता तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ खड्डे अगर आते हैं तो खड्डे तो आपको हर एक खड्डा पता चलेगा गाड़ी के अंदर ऐसा है। बाकी अगर इसकी सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल है तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ खड्डा ज़रूर पता चलता है। स्पेस की मैं बात करता हूँ तो स्पेस तो गाड़ी में बहुत अच्छा है, भर भर के स्पेस दिया हुआ है, मतलब आगे तो है ही है, पीछे वाले को भी जो है अच्छा खासा इसमें लेग रूम दिया हुआ है, सीट्स भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, बूट में भी इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लेग रूम यहाँ पे है, तो स्पेस वाइज तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और मतलब ओवरऑल अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो आपको बस कुछ साल चला के बेच देनी है तो आप ये गाड़ी रख सकते हो, क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप इसको 2-3-5 साल बाद भी निकाल दे हो ना तो आपको अबोव 50% तो इसकी वैल्यू मिल ही जाएगी, ये हमने देखा है। तो यही सोचते हुए हमने ये गाड़ी ली थी, मेरे दोस्त ने मतलब जिनकी ये गाड़ी है, तो वो ज़्यादा गाड़ियाँ रखते नहीं हैं तो उनको ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जिनका रीसेल जो है वो अच्छा मिले, तो वही फैक्टर मैंने ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी दी थी। नो डाउट अभी बिल्ड क्वालिटी नहीं है इसकी इतनी अच्छी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को अभी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता अभी, हालांकि लोग एजुकेट हो रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अभी इसके बारे में इतना सोचते नहीं है। अभी जब ये भाई साहब बलिनो ले रहे थे तब मैंने इनको बोला भी था कि आप एक बार ग्लांजा देख लो, ग्लांजा भी अच्छी गाड़ी है, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बलिनो या ग्लांजा थी, लेकिन इनके घर वालों का जो है ना इसके प्रति
मारुति सुजुकी के प्रति अंधा प्यार था, अंधा विश्वास था, ठीक है। उस विश्वास के चलते इनके घर में आज हम बलिनो आई है और हमारे भाई साहब आज बलिनो चल रहे हैं। और गाइस अगर इस गाड़ी की मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करता हूँ तो पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है। मतलब अगर आप ये देखोगे अच्छा खासा हार्ड प्लास्टिक है, बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है इसके अंदर और क्वालिटी भी इसकी अच्छी लगती है। पहले की मारुति की कार्स में या फिर अभी भी कुछ मारुति की कार्स आ रही है उसके अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब उसके कंपैरिजन में तो इसका प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर सारे आपको यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। जैसे कि ये टच स्क्रीन सिस्टम है इसका, तो इसके अंदर ही बहुत सारे फीचर्स है और मारुति का बहुत ही अच्छा रिस्पांस वाला टच स्क्रीन प्लेयर ये हमेशा से रहा है, तो यही इनकी हर गाड़ियों में आता है। और इसका जो टॉप वेरिएंट होता है अल्फा, उसके अंदर इससे थोड़ी बड़ी टच स्क्रीन आती है। ये 14 इंच है, वो 16 इंच आती है उसके अंदर, 16 या 18 जो भी है, तो उससे थोड़ी बड़ी आती है, वो पूरा इतना एरिया जो है वो कवर करता है। लेकिन ये भी सही है, लेकिन मुझे मारुति की एक ही चीज बहुत बुरी लगती है कि एक ही प्लेयर अपने सारी गाड़ियों में ठूस के देते थे। एस्प्रेसो में भी आपको यही प्लेयर मिलेगा उसके टॉप मॉडल में, ऑल्टो में भी आपको यही प्लेयर मिलेगा। लेकिन नो डाउट उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है क्योंकि प्लेयर सच में बहुत अच्छा है, लैग नहीं है और सारी जो फीचर्स है इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो बहुत अच्छे से इसमें काम करता है। हालांकि वो वायरलेस नहीं है बट ठीक है। गाइस आपको ना इस गाड़ी का मैंने डोर थर्ड सुनाता हूँ, वैसे इतना पावरफुल तो है नहीं बट पहली वाली गाड़ी से तो बहुत अच्छा है। देखो आई होप आपको अंदाजा लग गया। बलिनो की लुक की बात करूँ गाइस तो मोस्टली लोगों को इसकी लुक जो है वो बहुत पसंद आती है। पहले की बलिनो थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप सी लगती थी, अभी ये गाड़ी थोड़ी शार्प और एजी लगने लगी है। नो डाउट इसका जो मेटल की क्वालिटी है वो भी अभी थोड़ी इंप्रूव हो गई है पहले के मुकाबले। अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहते हो गाइस तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। बस मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि इसको हमेशा से आप जो है स्पीड लिमिट्स के अंदर रखें और सीट बेल्ट ज़रूर पहने। गाड़ी नो डाउट चलने में बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, माइलेज इसकी अच्छी है। तो आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।